गुरु हनुमान मैं पड़ी पड़ी टसका है तू तो न्यू कह थी मैं मर्द बच्चे की शान देखू कौन है आज बेटे की बात है तेरा तो एक प्रण था ब्याज करूं तो जब करूं तो शब जी खुद किसे छोरे ने भेजे तो ब्याह करूं ना करूं नहीं क्या कहते हैं तुम खातिया इतना कर रहे हो ईब तो ये घर घर बाथरूम लेटरिन बन गई आज भी तकरीबन मारे बीरबानी जोड़ जाड़ पे या बाहर वाई जंगल पानी हो जा सांझ के कट्ठी हो जाग वह लाइन में बैठी ने उन तक खाती आगे दिहाड़ी करके शहर में थे दिन का छपाण है एक बोलिए उठ लो के बात खाती आओ है एक श्याणी ही बीरबानी बोली ए बैठी रही हो बैठी रहो ने खातिया ने बेचारा ने दिन में भी ना दिखता दिन में भी सूत बांध के देखा है भाई आदमी तो शरीफ से हूं पीणिया का हो तुम भाई आज जमाना ऐसा हो गया दुश्मन है तो भाई है
आज लड़ाई साल की लड़ाई होगी, गाल की लड़ाई कोन्या। और पहले गाल की लड़ाई दूसरी थोक तो बाजा करती, आज दुश्मन भाई है। नहीं तो भाई ऐसे बताए पंडित जी ने, दादा ने पीछे भाई होया करते। और लगाई बैठी चोर दे, कोई दाने ले रही, कोई कम्मे ले रही, कोई रुपये ले रही। एक मेरे कैसे शराबी की बू, वह भी 11 रुपये देखने बोली, दादा मेरा भी देखी हाथ, हाथ में चूड़ी थी को ना, क्यों रोज लठ मारा करता पी गया उसको, रोज वह फूट टूट जाती, उसने साले की पहनी छोड़ दी। दादा ने देखा, अग भैया तो विधवा है बेचारी, चूड़ी ना पहरी, ला लिया दादा। ले बोला बेटी, हाँ दादा, तो ले बोला तेरे घर आला से दे। न बोली ढेडी के बीच मेरे 11 रुपये उल्टे दे दे, घर आला दो पड़े पिए। न बोला फिर 10 रुपये चूड़ी नहीं पहरी जाती, बामणा जात बगाड़ ध्यान लड़ा। ये के छत्ते में हाथ ला दिया, मांगेराम पीणिया छक्का पीणिया 100 रुपये और देते हैं, ये भी पीणिया के हैं रे भाई यार के 500 रुपये देते मार बार धने। मांगेराम जी जाओ घनी पिया करता। अच्छा अच्छा वो घनी पिया करता, और के करे पी खा के घर रोला रखे, बहू ने भी पीट कुंपे गल भी रोला रखे। वो जो करे मासी जी ने बताई वो तंग पागी, और उसने छोड़ के अपने घर चली गई। उसका तो वो एक काम साल ने फिर अद्धा मारिया, घर आया कुणबे गल जूत बजा लिया, कुणबे ने अच्छा समारिया, नेरे कसन गेर दिए, नेरा कर दिया। फिर सोचने लग गया भाई बहू भी छोड़ गई, कुणबे ने भी नेरा कर दिया, भाई इसका अच्छा तुम मर जा ने तेरा कटे रोग। एक अद्धा मार के अर गाम की जड़कवा रेल की लाइन जा थी, उन सोचा तू कट जाने रेल तले, अरे उठ के चालिया के मन नशे में था के मन लतर पचर दी, रेल के दौरे पहुंच आई तने वो इंजन जकड़ गया, डिब्बे में टक्कर मार दी, डिब्बे ने उल्टा भगा दिया, कोणी फूट गई, गोडे फूट गए, शर्ट फूट गया, घर आ गया। इन न्यारा तो न्यारा है शमाले कौन पड़िया पड़िया कूलर है, तू रांड नहीं लिया कि मैं ताता शीड़ा दे देगी, अरे को शमाले नहीं। वो ससुराड़ी पहुंच गया, सांझ में रोटी पानी खान लागे, सारे आडे आडे देखे, फिर मच्छी बांध कर सासुआ के निबलिया जी लेकर जाऊंगा, निबलिए निबला लेकर जाऊंगा, निबली सुन ले गाल तो देंगे पर तू लेने पा आ जा, निबलिया है अब गाल तो देंगे तू लेने पा आ जा, निबला गालिए मत गालिए लाइन पा नहीं आऊंगा। गांव से काफी तवारी छोरी और ठंड फूल वाला परदेशी को मारे, उसका तो बेबे गोली कैसी लगी, क्या करी। दुख हो लाडू तेरा गल हो, अरे कपी
लामा मिल गया उसने, उन्हें सोची रहे क्यों थेकली आला काट देना वा सतनी ही बगा दी काट लिया। नशे हो रहे थे और पजामिन लग गया पहने, नशे नशे में दोनों टांग एक टांग में घाल दी अपनी, खड़ा उनते धड़ाका उठा न बोला को छोरी चौधरी से तो कमारे गिर के जा रहे। अच्छी सुन ले तब जरा डगा के बंदे हमने भी सांस लिया इतने क्या कहा आखिरी के लिए देखे काम करण में कसर ना छोड़ू मेरे लायक दो से कार व्यवहार करण में बता मन कद के करा लखो से बाप रबर सब तू थाना जगर मेरे मदो से पट्टी बापी ने छोटा देवर कटे के सहो से लक्ष्मी चले समझनिया चाल पति ने बड़ मटहोड़ लागी पहले नंबर पे क्या कहा
हमारी बात कंस को राजा उग्रसेन बुलाता है, अग भाइया देव की शानी होगी, इस खातिर कोई वर ढूंढो, क्योंकि शानी बेटी माँ बाप के सिर पर पाप होता है। कंस को बुला के और राजा उग्रसेन क्या कहता है एक बात, देखिए भाई आंगा तो मेरे दोस्त है नहीं, पर कोशिश करूंगा, क्यों बूढ़े भी हो गए पर वो दिखते को ना बूढ़े।
सीता के Oh,
पति के जाल में पति की ओर की लकी खोज सड़ी दिखे वो गंदा तले पर्वत होगा चले रोशनी दिखे जिसने पति बताया करके या नदी पोषणी दिखे भाई राम रतन मलिक साहब भाई प्रदीप के सौजन्य से 500 रुपये और इनाम के देते हैं। नुवली महाराज 12 साल भौरे में रहा यो छोरा बिला 12 साल भौरे में तो रहा पर बाहर लेकरते हैं इसने बीरबानी देखी अपनी मौसी होता है न्यू गया जो करती तरफ बात जाग रहे
क्या कहा दादा ने, कैसे बोला? आयो जणू तितर बाबाज, तेरी मेरी शान कराई दाग ला दिया आज, जमीर में फसके करू फैसला तै के राजा कर रहा। और छोटू ना हर गाज मारी, छोटू ना हर काज मारी, इज्जत का ढेर करे। राजेंद्र प्रधान जी हजारों रुपए पहले असालतपुर से भाई प्रदीप के सौजन्य से 500 रुपए और श्रीमान जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो ये हमारी बात भी यहीं से फरमाइश करी गई है कि जब सुलेमान ये राजा से रुपए जादवान ने कहने लगा कि महाराज आपका लड़का तो जती है, ने बोला रहा इससे धोखे में तो मेरे को रखा गया, जो भी इससे मिला वो न्यू के लग गया। मैंने न्यूबू जी पर लड़के के बारे में बताओ, न्यू कहते रहे हे महाराज आपका लड़का जती और विद्वान है। भाई जती से खोने होते रुपए जा के 12 साल भौरे के अंदर रहा, लोगाई का सामना नहीं हुआ, एक लद भाई भूखो जती रह जा, हर जन लोग आई फेटे ना इसे जती देखा मां खेल दोषे चर्चे चर्चे पर है। भाई जब लोग आई दिखिए को ना, नहीं मैं बताता हूं जती कौन है। और मैं ये सोच के छोड़ देता हूं कि मेरा इकलौता पुत है तो भैया प्रजा के थुकेगी, मैं छोड़ू को ना इसने और मेरी बात सुनिए क्या कहते हैं। कर दया सोच जूर सुत यो बीत साला से आर तेरिया Yeah.
न्यू बोला रानी ऐसी बात नहीं है कि नूना दे छोटी सी बात पे इतनी बड़ी झूठ बोल देगी। कई चीज ऐसी होती हैं जिनकी आदत नहीं जागी, चाहे कितना ही भी कुछ हो जाओ। एक और रागनी में भी दादा ने कह रखी है, बाण आने की बाण ना जाओ चाहे चारों वेद पढ़ा ले, क्रिया अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। ने बोला इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलती वो, और आदत के बारे में क्या बताया, ये कई चीज है इनकी आदत नहीं जाएगी। कैसे बोला, इसी बेहूती रानी को ना जो सैम बोलते तूत, यो शेर का बच्चा लड़िया खड़िया दखे हो कने मजबूत, कमर का पाछड़ू और कलियारी का पूत, कद्दे बिना रह उजला एक लोगड़े का सूत, दखे आम अंत सहतूत खटाई, आम अंत सहतूत खटाई ओ खाटा देर करे, रामरतन मलिक जी भाई प्रदीप के सौजन्य से हजारों रुपए पहले और 500 रुपए और भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। के लगे भाई इसने जति कहे तो ऐसे जति नहीं होते, जति मैं बताता हूँ कौन होया। वो राजा उदाहरण देते हैं कौन होया जति, था सुखदेव व्यास कर लड़का जनक के घर गया, सेवा में दस बीस नार की मन में नहीं पाया था, छोटे भाई कीड़ा पहलवान कई हजारों रुपए पहले और 500 रुपए जो और पार्टियों का मान सम्मान करते हैं, हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं। उस समय कत्ल की प्रथा नहीं थी और बाप बेटे न करे ऐसा भी नहीं था। न्यू बोली महाराज आप जुल्म करो, न्यू बोला मैं राजा हो के ये न्याय सही न्याय नहीं करूंगा तो इस प्रजा का क्या होगा, जब बाढ़ खेत ने खान लाग जाएगी तो माली क्या करेगा, और रानी तेरी किस्मत में तेरे कर्म में बेटा होगा तो भगवान फेर दे देगा। क्या कहा, तेरे जति
वाली कत्ल करण की टाल करू ना ना बक्ता गाली के थुके संसार बाते आशिया में टाली क्यों करे हो जा बाग पेड़ ने से खुद काटे वाली अरे तेरे बाग में वो बेटे आली तेरे बाग में वो बेटे आली ते ईश्वर फेर करे कितने रिश्ते आए मन ने कहा बेटे ब्याह करवा ले साफ नाट्य ने बोला पिताजी मैं जती रहूंगा ने बोला रे ब्याह ना तो नाटेगा और देख आज बेईमान का इसका ढेट देख डूब गया जब यो करे डूब गया के करे हा क्या कहा पहले और 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं भारतीयों का भाई का बार बार धन्यवाद किया जाता है धन्यवाद राजा जल्लादों को कहता है न्यूवला भाई के दे इसने सुथरा रूप देख के दया आ जा तुमने नहीं तुम्हारा जो काम है उसको करो रानी तू एक और न बैठ जा राम के नाम ले राजेंद्र मास्टर जी श्याम विहार से भाई प्रदीप के सौजन्य से 500 रुपए इनाम के देते हैं भाई जियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद क्या कहा दादा ने मत ना करियो मत ना करियो दया देके काया कंचन की उठो जला दो लो पकड़े हाथ में तेग थरे रन की रानी रे तो नजार नहीं से इस मूर्खपन की लगा समाजी बैठ वजन में नुजाल मिटे तन की अरे लक्ष्मी चंद ज्ञान के धन की लक्ष्मी चंद ज्ञान के धन की नो रोज बखेर करे अब्दुल्ला पहलवान जी के छोटे भाई कीड़ा पहलवान हमारे छोटे भाई हजारों रुपए पहले 500 रुपए और इनाम के देते हैं भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद
कुल का नाश कराए। सोले वाहन ते इसे मानस का चौड़े सीतराजे तक तू ठीक ना पड़ाई मुंह योगी पड़ा चराजे अर जबकि नाम से उसका लोग किसने सबकी सराहे बड़ी मुश्किल लात पड़े उसके और वो लत्ते जो पैर रहता वो तरवा लिए ने वो बहुत प्रार्थना करी रे भाई गरीब आदमी ये लत्ते लत्ते के ये उतार दे। अब नगन हो जाता सुदामा और हाथ जोड़ के उन बिलों से प्रार्थना करता है और क्या कहता है कैसे से कई हजारों रुपए पहले और 500 रुपए जो और पार्टी का मान सम्मान करते हैं हम बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारी बात जब सरदार चाप सिंह के फांसी के हुक्म हो जाते हैं तो वो पहले तो सोमवती को पतिव्रता बताता था लेकिन फिर औरतों के बारे में क्या बताया उसने कि कैसी होती है औरत। ए रे
का प्यार मार के पोती सती हो जासे अरे तो दिले की लाड लाख की इज्जत में खो जासे देखिए ये रागनी पंडित जगदीश की बनाई हुई है। उस समय पंडित जी दसवीं पास थे और कविता ही देखिए एक एक शब्द कैसे गूंथ रखा है। ध्यान से सुनोगे जब कम पल्ला पड़ेगा ना तो नहीं। निंदा निस्तर नार निशाना ना छोटे खून बदने में लोग लकड़ा लिया दे लोगाई लाग लगा दे तने में बुगला विशेर पीर बेराणी फर्क रखते मने में तो तात्रिया तरंग ये तीनू आंख बदले जा छने में फिर कोयल कन काम नी कबीर सिया के मन मोजा से भाई अब्दुल्ला के छोटे भाई पहलवान जी कीड़ा पहलवान 500 रुपए और इनाम के देते हैं भाई जीओं का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और नुक लागे सदा मारे बावले हो भाई तुम तुमने मन से लूटने का ना मेरा कुंड लूटना चाहिए। मैं गरीब आदमी सता दिया ऐसा ना करो ये लत्ते दे दो और मैंने जान दो भाई कैसे क्या कहा अरे चौकर देते चौकर देते पकड़ लिया मेरा छूटने कारण कुछ बूटा कुछ चोट लगी उठने कारण कुछ दिन में तारा भरम फूट जा फूटने कारण जो गरीब आदमी लूट लिया तुमने लूटने कारण खोट नहीं सदा
कदे अमृत कदे अमृत मीठी बन जा कदे जहर ते खाटी कदे हीनी कमजोर बन और कदे डटे ना डाटी कदे इज्जत ने शिखर चढ़ा दे कदे पीट दे माटी गणी बेहुदी पीर जगत में रेशम के सियाटी सात जन तक फूल खिले ना बेल बिगन बोझा से जोड़ता रहा लेकिन वो जल्लाद वो जो थे भील सुनाई नहीं करते। तू फिर हार के भगवान का ध्यान करता है। भगवान ये तुमने तो कुछ दिया नहीं या और क्या बनी मेरी गलियां क्या कहा हा, हा। बारे में औरतों के बारे में के कहा ये के कर दे कैसे भला वो एक कहे अमृत की बेल पीर ने गांठ भरी रे छल्ले में मां के जाए भाइया कैरी फर्क गेर दे दिले में कोई प्यारे तो मेल पड़ावे पैर बंधा दे पल्ले में पत्थर का भी मोम बना दे आग लगा दे चले में ये छेक करे अंबर में ये हस्ती हस्ती रोजिया से साथ बैठे थे नौके लागे भाई उन्होंने बताया कि भाई बात बनाऊं लागे जब तीन कली बन के तैयार होगी चौथी की भी चार लाइन बन गई लेकिन तोड़ का सूत ना बैठ रहा। फिर अचानक ईसा सूत बैठे एक जो सारी अण बुराई करा करता गांव का मानस कदे भी मारे बारे में उसने ठीक नहीं कहा
और वो आन के चाण सके न्यूक लगे पंडित जी कुछ शरीर तो माड़ा हो गया। बोला एकदम अले दिमाग चक्कर काट गया जब बहुत चौथी लान बनी। कैसे क्या था? बारे में मरद तो काम नहीं हो जो ये रच दे। कई साल की बात होली, दक्षिण भारत की महारानी यहां गुड़गांव में एक नौकर केल भाग का ही थी। अखबारों में भी खूब चर्चा चली थी। ये नहीं देखती कौन सा खानदान है, पैसे आने की भी जरूरत कोई नहीं, जब भाजन लागे। क्या कहा? एक है जगदीश, कह जगदीश इन पीरा ते मतना बांधो पाला, पूरे तारे चता पे खाले करे रात ने चाला, बेटा बेटी रहे रोमते न खसम लागता साला, शरकी बंदगी गैल चली जा बेड़ महल के ताला, वे खड़ी बवारी करी मैं दे जा विष अमृत में तो ज्ञान से, सोचे कूड़े भी तेरे सामने न्यान खड़ी होंगी ना, आऊंगी जरूर पर पहचान जा तो पहचान लिए। कैसे क्या कहती है?
दोनों प्रेमी 200 रुपए जी मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। और नुक्कड़ लागी देखे बरात लेके आवे जब अपने कैसे सुथरे सुथरे छोरे छाट के लेके आइए कदे नरा अंगा ठा लेवे आ किसा के लेके आऊं अगले मेरी बात सुन ले क्या फरमाइश करी क्या बताऊं। नंबरदार जी कई हजारों रुपए पहले और 500 रुपए जी और मान सम्मान करते नंबरदार साहब का बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद। वो अपने कैसे अपने कैसे सेल गामरू छोरे खासे अपने कैसे काफी रुपए पहले और 500 रुपए और मान सम्मान करते हैं हम भाई का बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद। और नुक्कड़ लागी चमने जब मेरी तेरी शादी हो जाएगी जिसा भी मौसम आवेगा ना उसे ब्योत करके मिल लूंगी तेरे हर मौसम में बदलेगी कभी जिसा मौसम आवेगा उसे ब्योत मेरा मिल लगा के लागी क्या बताया। और ये जीता नंबरदार जी काफी रुपए पहले और 500 रुपए से और मान सम्मान करते हैं हम नंबरदार जी का बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद क्या कहा। दखे जेठ साठ के महीने में दर ठंडी जारी लागूंगी Oh,
में अपना पता बताती है कि बरात लेके कड़ा आना है। कैसे कदे बिना किधर और किधर धक्के खाता अंडे जा उड़े पहुंच जाइए सुधा। कैसे क्या कहा कहती है। कैसे दोनों प्रेमी और 200 रुपए जी मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद अब्दुल्ला का छोटा भाई कीड़ा पहलवान और ये अब्दुल्ला के छोटे भाई कीड़ा पहलवान 500 रुपए जी मान सम्मान करते हैं। हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद गोपाला और ये गोपाला भाई काफी रुपए पहले 200 रुपए जी और मान सम्मान करते हैं। हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं। गौरव और ये गौरव बच्चा ये भी काफी रुपए दे चुके हैं। 100 रुपए और मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद किया जाता। धन्यवाद क्या
सारे पड़ोसी जोटा ला रहे और सबकी बहु जाली जवारा दे दे के मन डर लागेगा फिर एक दिन जाते आ जा तावड़ा हड़ थाम ले, लेकिन नहीं थामता। कैसे क्या कहती है दिया। कैसे क्या बता बता मान करते हैं भाई का बार बार धन्यवाद किया दादा धन्यवाद। और आखिर में कैसे क्या प्रार्थना करती है न बोली और डोले पर खड़ी खड़ी के पसीने आ रहे और तू अड़ जोड़ रहा तेरा के याद होगा क्या कहा मध्य
बातें सभी सुनी सुनाई, लेकिन हर कलाकार का अपने गाने का ढंग ढंग तरीका अलग अलग होता है। तो दो दिन बाद किस समय की के जैसा जो बड़े बुजुर्गों से सुनने में आया, खेलने गया शकार बता के शान कर से ओ करते हैं, हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और ये जीता नंबरदार, ये भी 500 रुपए की पार्टी का मान सम्मान करते हैं, हम नंबरदार का बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और तीसरी कली में बोली, आज तेरे भाई ने आलन दे तोड़ करूंगी, ने बोला रे तोड़ करन में भी कुछ कसर रह रही है, ने बोली बदा गणी है रे तेरे भाई ने आवन दे, और कैसे के खेल लगी Thank you.
कोई लुकाइया की मरोड़ आ करे वह फूल सिंह की भाभी ने पूरी कर दी निबली बर रहे ना उधर न्यू रहे हर ना इस काम ने कर ले ये करूं अगर मेरी बात सुनिए कैसे क्या कहा कर मैं क्या बताऊंगा बचाले में स्वाद का नाश मत करे तुम ईरा गाणिया ना हो मैं दमयंती ने दरिया प्रेम से देवताओं का ध्यान नमस्कार करूं करा दियो ने से भी गिन लिए और इधर से भी पांच राजा नल दिखे समझ में नहीं आया जब क्या कहती है